देखिए मैडम पुल पर से कूद के आए हैं, क्या कर दिया है पुल को, देखिए हम सबको नदी पार होने में बहुत दिक्कत हो रहा है। तू कुछ किए नहीं, ना भाषण दिए, कुछ ना बताए, सीधे उड़ के आए, उड़ के चल गए। लगातार बिहार में पुल गिरने का मामला सामने आ रहा है, कभी भागलपुर में पुल गिरता है तो कभी जमुई में पुल गिरता है तो कभी अररिया में पुल गिरता है। अभी मेरी मौजूदगी जमुई के सोनो में है जहाँ पे ये पुल क्षतिग्रस्त हो चुका है, ढह चुका है, लेकिन आप देख सकते हैं इस पुल पे अभी भी लोग खड़े हैं और लोगों की संख्या इतनी ज्यादा है कि ये पुल कभी भी गिर सकता है। और लोगों की संख्या इसलिए इस पे इतना ज्यादा है क्योंकि अभी नीतीश कुमार जी आए थे इस पुल के निरीक्षण में, लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार जी पुल का तो निरीक्षण पता नहीं किए कि नहीं किए, लेकिन बालू खनन का निरीक्षण जरूर किए। और आप साफ तौर पे देख सकते हैं किस तरीके से ये जो पुल है क्षतिग्रस्त हो चुका है और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कब नदी में समा जाए। और जैसा कि आपको हम बता दें, अभी मनीष कश्यप पे एनएसए लगा हुआ है, वो जेल में है, लेकिन मनीष कश्यप लगातार पुल, सड़क, रोड, नाला को दिखाते रहते थे, लगातार इन्हीं सब मुद्दों पे आवाज उठाते रहते थे। और यहाँ के लोगों का भी कहना है कि अगर आज मनीष कश्यप जेल के बाहर होते तो इस पुल के पे आवाज जरूर उठाते, इस पुल के मुद्दों को उठाते और उनकी आवाज सत्ता में बैठे लोग के कान तक भी जाती और इस पुल पे एक्शन भी लिया जाता। लेकिन हालांकि यहाँ पे नीतीश कुमार आए भी, पुल को भी देखे, बालू घाट को भी देखे, लेकिन यहाँ के जो आम जनता है उनसे मुलाकात करना वो भूल गए। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ के आम जनता से मुलाकात करना भूल गए। आपको हम बता दें 3 दिन पहले ये पुल क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसके कारण आप देख सकते हैं इस पे कभी भी दुर्घटना हो सकता है, कभी भी दुर्घटना घट सकता है। और पानी का बहाव भी आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा है और लोगों का कहना है कि खनन की वजह से, जी हाँ बिल्कुल, बालू खनन की वजह से यहाँ पे पुल क्षतिग्रस्त हुआ है, पुल ध्वस्त हुआ है। और लगातार बिहार में पुल क्षतिग्रस्त होने का सिलसिला चलते आ रहा है, कभी बिहार में पुल हवा में उड़ जाता है तो कभी पुल धराम से नदी में गिर जाता है तो कभी पुल उड़ते हुए दिखाई देता है। और लगातार बिहार में पुल ऐसे ही क्षतिग्रस्त हो रहा है और ध्वस्त हो रहा है, लेकिन बिहार सरकार बोलती है, अभी ऊपर में कुछ लोग खड़े होकर चिल्ला रहे कब गिर जाएगा, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन यहाँ की जनता भी मजबूर है, वो आखिर करे तो करे, क्या करे, रहेंगे तो इसी पुल पे, क्योंकि सरकार भी इस पुल पे ध्यान नहीं दे रही है। क्योंकि बिहार सरकार का कहना है कि हम पुलों का जाल बिहार में बिछा चुके हैं, लेकिन पुल का जाल ऐसा बिहार में बिछा है कि हर एक महीने बिहार के अलग अलग जिलों में पुल गिरने की घटना सामने आती ही रहती है। और लगातार बिहार में पुल गिर रहा है, कोई पुल बनते बनते हवा में उड़ता है तो कोई पुल बनने के 2 साल बाद गिरता है, कोई पुल बनने के 10 साल बाद गिरता है, और आज एक बार फिर से पुल गिरने की घटना सामने आई है। और जब भी पुल गिरता है बिहार में तो बिहार की जनता मनीष कश्यप को जरूर याद करते हैं, एक बार मनीष कश्यप को याद करते हैं और कहते हैं कि अगर आज मनीष कश्यप जेल के बाहर होता तो इस पुल के मुद्दे को मजबूती से उठाता और सवाल सरकार से इतना पूछता कि सरकार के पास भी उन सवालों का जवाब नहीं रहता। फिलहाल जो बिहार में स्थिति है विकास की स्थिति है, जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि बिहार के जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, वो बिहार की विकास की बात करते हैं और बिहार में विकास कुछ इस तरीके से है कि लोग पुल पे चढ़ के पुल पार नहीं करते हैं बल्कि पुल से कूद के पुल पार करते हैं, और यही है बिहार की स्थिति और यही है बिहार का विकास, और लगातार इसी वजह से बिहार में विकास होता है। और आपको एक बात और बता दें, जब भी नीतीश कुमार कहीं निरीक्षण में जाते हैं तो उस एरिया को पूरी तरीके से सील कर दिया जाता है, लेकिन जनता भी नीतीश कुमार को पहुँच मिलने के लिए पहुंच जाती है, जिसके वजह से हादसे भी होते हैं। और आज ये जो स्थिति बनी हुई है जिसके कारण कहां से आ रहे हैं, देखिए मैडम पुल पर से कूद के आए हैं, क्या कर दिया है पुल को, देखिए हम सबको नदी पार होने में बहुत दिक्कत हो रहा है। पुल पार करके कहे नहीं है, कूद के कहे, कैसे पार करके आए, उतना क्या बोले, नीतीश जी को देखने आए हैं तो कुछ किए नहीं, ना भाषण दिए, कुछ ना बताए, सीधे उड़ के आए, उड़ के चल गए, ऐसे होता है क्या, उड़ के चले गए, इसलिए आप भी कूद के आए, कूद के चले गए, कूद के चल जाएंगे। खाने का लिमिट, नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हम बिहार में पुलों का जाल बना दिए हैं और लगातार बिहार में पुल गिरता है, इस पे क्या कहिएगा, क्या कहें, ये जो पुल गिरने का जो है ना, ये पुल इस कारण से गिरा है बालू के रीजन से, बालू उठने का एक भीड़ तो उठा दिया है, तो लगातार पुल गिरने का घटना बिहार में सामने आते रहता है। और एक बार फिर से जमुई के सोनो में पुल गिरा और लगातार इस पे लोग आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सरकार कितना एक्टिव है ये भी देखने लायक है, क्योंकि सरकार तो आती है यहाँ, जी हाँ बिल्कुल, बिहार के जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार स्वयं आते हैं, लेकिन क्या